सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हम बेटा शुरू करेंगे गैस लॉस। जो भी हमने गैस स्टेट शुरू किया था, तो गैस जो होती है, हर गैस के कुछ लॉस होते हैं जिस लॉ को गैस फॉलो करती है। तो इसमें से कुछ लॉस हम पढ़ना शुरू करेंगे आज। तो हम बात करेंगे गैस लॉस, और गैस लॉस में सबसे पहला लॉ जो हमारे सामने आएगा बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बेटा, इस बॉयल्स लॉ को लोग मैरियट लॉ के नाम से भी जानते हैं। मैरियट लॉ, या फिर इसको प्रेशर वॉल्यूम लॉ भी बोला जाता है, ठीक है जी। एंड दिस लॉ इज अ क्वाइट सिंपल लॉ, बहुत ही इजी लॉ है बेटा, ध्यान से समझेगा। ये कहता है, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट। क्या कह रहा है? कहता है फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैस, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट। यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इफ टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, गिवन अमाउंट मतलब नंबर ऑफ मोल्स आर कॉन्स्टेंट। यानी अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। मान लो आपने वॉल्यूम डबल कर दिया तो प्रेशर हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम हाफ कर दिया प्रेशर डबल हो जाएगा। यानी वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम बढ़ता है उतने गुना प्रेशर कम हो जाता है। आपने वॉल्यूम 10 times कर दिया, प्रेशर 1/10 हो गया। बोलो, गॉट इट और नॉट? ओके, चलिए आपकी थोड़ी इसकी समझ की परीक्षा लेते हैं पहले, कि वेदर ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, यहां बोला जा रहा है कि अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, या आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना बेटा। मान लो तुम्हारे पास एक टायर ट्यूब है, टायर ट्यूब में जब तुम हवा भरते हो तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम होना चाहिए, पर बेटा टायर ट्यूब तो फूलनी शुरू हो जाती है ना, उसका वॉल्यूम तो बढ़ना शुरू हो जाता है, तो क्या बॉयल्स लॉ फेल हो गया? यस, नाउ डन मी, यस वेदांत, यू आर वेरी राइट, बिल्कुल सही बात यह है कि यहां बॉयल्स लॉ अप्लाई ही नहीं होना है। क्यों? क्योंकि बेटा नंबर ऑफ मोल्स आर नॉट कैप्ट कॉन्स्टेंट। बिल्कुल सही हर्षिता, अंगद, वेरी गुड। यहां पे अंगद, टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा बेटे, बट नंबर ऑफ मोल्स, आप हवा भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। बॉयल्स लॉ के लिए नंबर ऑफ मोल्स शुड बी कॉन्स्टेंट। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब बिल्कुल सही है कि हमारे पास जब भी हम नंबर ऑफ मोल सेम रखें, अमाउंट सेम रखें, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, तो वॉल्यूम बढ़ाने से प्रेशर कम होता है। जितने गुना वॉल्यूम बढ़ाते हो उतने गुना प्रेशर कम हो जाता है। तो ये बॉयल्स लॉ था बेटा। नाउ इस बॉयल्स लॉ को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ने की हम कोशिश करेंगे बॉयल्स लॉ में। तो चलिए सबसे पहले बॉयल्स लॉ को पूरी तरह क्लियर करते हैं। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो क्या लगाते हो? कांस्टेंट। तो हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू K इंटू 1 बाय V। क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि
is a constant. Yani product of pressure and volume is a constant. ठीक कहने का मतलब ये हो गया P1 V1 should be equal to P2 V2, which can be equal to P3 V3 and so on. But if temperature and number of moles are kept constant, अगर हमने temperature और number of moles को constant रखा तो जैसे pressure बढ़ाओगे volume कम हो जाएगा. इसमें product जो होगा pressure volume का वो constant रहेगा. तो ये Boyle's law हुआ करता है बेटा. ठीक, this is Boyle's law. तो Boyle's law की definition तो समझ में आ गई होगी आपको. ठीक, तो Boyle's law कहता है कि for a given amount of gas, pressure is inversely proportional to volume if temperature is kept constant. Now, सबसे पहले हम study करेंगे बेटे graphical study of Boyle's law. Graphical study of Boyle's law. ठीक, जब हम graphical study की बात करते हैं, सबसे पहला graph जो हम बनाने की कोशिश करेंगे P versus V graph. यानी P के साथ V का graph हम बनाने की कोशिश करेंगे. हमने बेटे ऐसे किया कि ये एक एक्सिस ले ली, इस साइड P ले लिया प्रेशर बढ़ रहा है, इस साइड बी ले लिया वॉल्यूम बढ़ रहा है. मान लो एक स्पेसिफिक वॉल्यूम पे प्रेशर इतना है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम पे प्रेशर इतना है. अब जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे यानी ग्राफ को इस साइड ले जाएंगे प्रेशर कम होता रहेगा. ठीक, तो जैसे हमने वॉल्यूम बढ़ाया प्रेशर कम होता चला गया, ग्राफ विल बी लाइक दिस. इस ग्राफ के शेप को हम लोग कहा करते बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. बेटा दिस नॉट पैराबोला, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. समझ में आ गई बेटे बात? तो ग्राफ की शेप कैसी होती है अगर ये कोई पूछे तो कह देना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है. नाउ इस पे बेस्ड ग्राफिकल क्वेश्चन क्या आएगा? देखो बेटा ग्राफिकल क्वेश्चन हमें इस तरह से आएगा, हमें यहां पे P दे दिया होगा, हमें यहां V दे दिया होगा. हमें बोलेंगे एक ग्राफ ये है एट टेम्परेचर T1, एक ग्राफ ये है एट टेम्परेचर T2, एक ग्राफ ये है एट टेम्परेचर T3. और हमसे ये पूछेंगे कि ये बताओ T1 बड़ा, T2 बड़ा कि T3 बड़ा. ठीक, अब बेटे ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ग्राफ हमारा बॉयज लॉ है लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमें अलग तरह से चलना होगा. देखो बेटे इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक चीज को कांस्टेंट कर देंगे, वेदर प्रेशर को और वेदर वॉल्यूम को. जैसे मान लो मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, इतने प्रेशर पे मैं सारी वॉल्यूम्स देखूंगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक लाइन लगा देता. ठीक है जी, अब इस प्रेशर पर जो ये वॉल्यूम है वो यहां आ गए, ये T1 ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंगली मैंने इसको V1 लिख दिया. इसी तरह से T2 ग्राफ टेम्परेचर 2 का ग्राफ जब हमने देखा वो यहां कटा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने V2 देख लिया. अब ये ग्राफ यहां कटा इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमने V3 देख लिया. अब हमें यहां से अच्छे समझ में आ रहा है फ्रॉम दिस ग्राफ दैट V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1. देखिए V3 बड़ा है कि नहीं? V3 बड़ा है, V2 छोटा है, V1 और भी छोटा है. तो V3 is greater than V2, which is greater than V1. V3 is greater than V2, which is greater than V1. Clear? अब accordingly, अगर बेटे आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है तो वॉल्यूम तभी बढ़ सकता है अगर टेम्परेचर ज्यादा हो. मोर विल बी द टेम्परेचर, मोर विल बी द वॉल्यूम. है ना बेटा? ये आगे जाके एक और लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ. तो बेटा हमने ग्राफ यहां पे बॉयज लॉ का लिया लेकिन उसे सॉल्व करने के लिए हम चार्ल्स लॉ लगाते हैं दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर. तो जिस जहां पे वॉल्यूम बड़ा है वहां पे टेंपरेचर बड़ा होगा अगर प्रेशर को हम कॉन्स्टेंट रखें. तो मैंने प्रेशर के लिए कॉन्स्टेंट लाइन लगा दी थी, प्रेशर को कॉन्स्टेंट रख के ये देखा था T1 टेंपरेचर पे वॉल्यूम कितना होगा, T2 टेम्परेचर पे वॉल्यूम कितना होगा,
T3 टेंपरेचर पे वॉल्यूम कितना होगा, और हमने इससे पा लिया कि V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1, और क्योंकि टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट ऑफ वॉल्यूम इफ प्रेशर इज कैप्ट कांस्टेंट, इस हिसाब से हमारा आंसर आया कि T3 शुड बी ग्रेटर देन T2 व्हिच शुड बी ग्रेटर देन T1। बोलो इज इट क्लियर बेटे? ओके, नेक्स्ट बात, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे यह पूछ लिया जाता कि भाई नंबर ऑफ मोल्स बताओ, n किसके ज्यादा है, अब हमारे को ऐसे केस में टेम्परेचर भी सेम दिया होता, इसकी जगह हमें बोल दिया होता कि यहां पे T2 की जगह N3 है, यहां N2 है, यहां N1 है, अब बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है और हमें यह बताओ N1 ज्यादा N2 ज्यादा कि N3 ज्यादा, बेटे हमने प्रेशर को तो कांस्टेंट कर ही दिया, टेम्परेचर क्वेश्चन में क्वेश्चन कांस्टेंट दिया है, तो बेटा ऐसे केस में जहां वॉल्यूम ज्यादा होगी वहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, और क्योंकि V3 ज्यादा है तो ऐसे केस में अगर सिर्फ नंबर ऑफ मोल पूछे होते तो N3 शुड बी ग्रेटर देन N2 व्हिच शुड बी ग्रेटर देन N1। इस तरह से करके पहला ग्राफिकल क्वेश्चन हमारे पास आएगा। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? ओके, थैंक यू। अब दूसरा ग्राफ देखेंगे, ये हमने पहला ग्राफ सॉल्व किया बॉयज लॉ का, ठीक। दूसरा ग्राफ बेटा, दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे पी वर्सेस 1/V का ग्राफ, पी वर्सेस 1/V का ग्राफ। सी, हमारे पास यहां पे एक्सप्रेशन देखिएगा प्लीज, एक्सप्रेशन है पी इज इक्वल टू के इंटू 1/V, ठीक। ये एक्सप्रेशन है बॉयज लॉ का। बेटा जो मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे उन्होंने स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन पढ़ी होगी, और जो नहीं भी पढ़ते होंगे उनको मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बता देता हूं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेयर वाई इज वाई एक्सिस। तो अगर मैंने ये ग्राफ बनाया तो मैंने y एक्सिस पे क्या रख दिया, प्रेशर, ठीक। x x एक्सिस है, x एक्सिस पे मैंने रख दिया 1/V, ठीक। तो बेटा ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मान के चल रही है तो ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, पर कैसा होना चाहिए? देखो बेटे, इसमें c जो होता है वो होता है इंटरसेप्ट। c क्या होता है? इंटरसेप्ट। बेटा इंटरसेप्ट वो पोर्शन ग्राफ का जो यूज नहीं होता है, जिसके आगे प्रोपोर्शनलिटी शुरू होती है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, या बोले जब भी ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करें तो वो जब एक्सिस पे मिलेगा वो इंटरसेप्ट होती है। अब यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, हमने 1/V लिया, वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया, हमने पी लिया, और एम क्या होती है बेटा, एम बोली जाती है स्लोप, एम यहां पे होती है स्लोप, और आप देखें स्लोप के बराबर है, कांस्टेंट स्लोप है और पॉजिटिव है, ठीक। इसके आगे पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव स्लोप यानी ऊपर जाने वाली, तो ये स्लोप ऊपर को जाएगी और स्ट्रेट लाइन होगी। दूसरी बात, क्या सी के लिए यहां पे कुछ है? अगर हम देखें तो इसका मतलब यही है कि इसके आगे प्लस जीरो होगा, तो सी इज जीरो, यानी इंटरसेप्ट जीरो। इंटरसेप्ट जीरो का मतलब है ग्राफ शुड पास थ्रू ओरिजिन, यानी ये ग्राफ ओरिजिन पे जाके मिलेगा, इसलिए ये ग्राफ हम ओरिजिन से शुरू करेंगे और पॉजिटिव स्लोप देंगे लाइक दिस। सो दिस इज द ग्राफ वी हैड, बी वर्सेस 1/V, पी वर्सेस 1/V का ग्राफ, एज इट इज फॉलोइंग अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद अ पॉजिटिव स्लोप एम, ठीक, एंड इंटरसेप्ट जीरो, सो ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक, एंड विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप। बोलो बेटा ये ग्राफ भी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखो, अब हमें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे बोल दिया कि ये मेरा ग्राफ है, ये पी है, ये 1/V है, ये मेरा ग्राफ है, और मुझे ऐसे करके तीन स्लोप दे दी, बोला ये T1 पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे है, और हमसे ये बोला गया T1 T2 T3 का ऑर्डर बता दो,
T1 बड़ा, T2 बड़ा, की T3 बड़ा, इसका ऑर्डर बता दो। अभी वही अप्रोच लड़ाएंगे, कोई एक चीज को कांस्टेंट रखें, चाहे प्रेशर को कांस्टेंट कर दे और चाहे 1/D। मैंने मान लिया मैंने 1/D को कांस्टेंट कर दिया, तो 1/V को कांस्टेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन लगा दी मैंने यहां पर। ये ग्राफ यहां पे काटा 43, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मैंने यहां पर प्रेशर देख लिया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रेशर यहां पे P3 लिख दिया, यहां पर प्रेशर देख लिया T2 के कॉरेस्पॉन्डिंगली T2 आ गया, T1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली P1 आ गया। और हमें यहां से ये समझ में आ रहा है कि P1 इज ग्रेटर देन P2 विच इज ग्रेटर देन P3। अगर ऐसा हुआ तो बेटा हमने वॉल्यूम तो कांस्टेंट कर दिया, 1/V कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप रह गया। देखो प्रेशर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, या बोले टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, है ना बेटा। टेम्परेचर बढ़ाते हो, गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, ज्यादा टकराते हैं वेसल की वॉल के साथ, प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब अगर प्रेशर ज्यादा हुआ और वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो बेटे टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, तो इस हिसाब से T1 शुड बी ग्रेटर देन T2 विच शुड बी ग्रेटर देन T3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3। बेटे यहां पे भी ग्राफ तो हमारा बॉयज लॉ का है, लेकिन हमने लॉ कोई और लगाया है इसको सॉल्व करने के लिए जो आगे आएगा। ठीक, फिलहाल के लिए मैंने आपको ये बताया, जब भी कभी ऐसे ग्राफ आए, जब भी कभी भी ऐसे ग्राफ तुम्हारे पास आए डिफरेंट टेम्परेचर, तो किसी एक चीज को कांस्टेंट करो। हम प्रेशर को भी कांस्टेंट कर सकते थे, उसकी एक लाइन यहां लगा देते, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली 1/V देख लेते, ठीक, या फिर 1/V को कांस्टेंट कर लिया, उसके हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली प्रेशर निकाल लिए टी के कॉरेस्पॉन्डिंगली, तो अगर पी ज्यादा तो टी ज्यादा, इस हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया। प्यारे बच्चों फटाफट बोलो, क्या ये ग्राफ पी वर्सेज 1/V भी समझ में आ गया और इसका क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि नहीं? यस, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगली बात करते हैं, ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। इसी तरह से ग्राफ नंबर 3 को पढ़ते हैं। ग्राफ नंबर 3 है PV वर्सेस B या P, चाहे यहां पे P ले लो और चाहे यहां पे B ले लो, PV वर्सेस P और B, ठीक। तो जैसे मैंने अगेन से ये एक ग्राफ लिया, y-axis पे PV ले लेते हैं और यहां P ले लेते हैं। देखो बेटे हमें आज समझ में आ रहा है कि PV इज अ कांस्टेंट, यानी आप प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा लो पर PV कैसा रहेगा, कांस्टेंट यानी इसकी वैल्यू, तो अगर इसकी शुरुआत में वैल्यू इतनी थी इतनी रहेगी, ग्राफ विल बी पैरेलल टू आवर एक्स एक्सिस। सिमिलरली यही ग्राफ हम लोग ले सकते थे PV वर्सेस V में, तो चाहे हम वॉल्यूम बढ़ा दें तब भी PV कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो ग्राफ विल बी कांस्टेंट एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये PV वर्सेस P या PV वर्सेस V का ग्राफ होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ जाएगा, बोलो क्लियर है कि नहीं है। वेरी नाइस बच्चों, तो आपके पास यहां से यहां तक ये जो आएगा ये किसके बराबर आएगा, ये K के बराबर आआएगा, कांस्टेंट रहेगा क्योंकि PV इज इक्वल टू K, तो ये K के बराबर रहेगा बेटा। इसमें भी हमारे को उसी तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं, हमें दो स्लोप दे सकते हैं, हमें बोले टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है, ठीक है, दो स्टेट लाइंस दे दी, बोला टेम्परेचर T1 बढ़ा कि P1 बढ़ा। बेटे ये आगे जाके हम पढ़ेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, उसे सॉल्व हो जाता है कि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो ऑब्वियसली T1 इज ग्रेटर देन T2 होगा। इस केस में जो ग्राफ ऊपर होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा, जो ग्राफ नीचे होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। तो उम्मीद करता हूं ये वाला ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, बोलो इज इट क्लियर और नॉट। वेरी नाइस, नाउ नेक्स्ट बात, वेरी इंपॉर्टेंट,
लॉगरिथमिक ग्राफ, लॉगरिथमिक ग्राफ। तो बेटे जी मैं थोड़ा इसको मिटा दूं बेटा इन ग्राफ्स को, ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये तो चलो ग्राफ हमने पढ़ लिया है, अब सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ हम पढ़ने जाएंगे जिसको हम बोलेंगे लॉगरिथमिक ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ, लॉगरिथमिक ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ। लॉगरिथमिक ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक। सो बेटे जब आप लॉगरिथमिक ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ की बात करते हो तो हमने यहां पे पढ़ा है कि P इज इक्वल टू के बाय V, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हम क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। जब दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ पी हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, लॉग ऑफ पी विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ के, बेटे लॉग में डिवाइड का मतलब होता है माइनस, लॉग में डिवाइड का मतलब माइनस और मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है, तो यहां डिवाइड बाय बी है तो जब लॉग लगेगा तो माइनस लॉग ऑफ बी होगा, ये माइनस लॉग ऑफ बी होगा बेटे, ये समझ में आई। तो हमारी जो इक्वेशन बनी लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ के माइनस लॉग ऑफ बी, ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। बोलो इज दिस इक्वेशन क्लियर। अब देखो बेटे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगाओ क्या मैच होगी, हमने यहां पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स, ठीक है जी। मतलब आपने y एक्सिस पे क्या ले लेना है log of p और x एक्सिस पे क्या ले लेना है log of b। तो हमने यहां पे ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बन गया, यहां पे ये log of k हो गया, log of rather p हो गया, y एक्सिस पे log of p दिया है हमने और x एक्सिस पे log of b लिया है हमने, ठीक है। Now n स्लोप जो आएगी बेटा वो किसके बराबर आएगी, यहां तो प्लस होना चाहिए था पर यहां माइनस है और आगे कुछ नहीं है तो यानी माइनस वन, तो यहां पे m की वैल्यू जो है वो माइनस वन है, यानी स्लोप इज इक्वल टू माइनस, माइनस का मतलब नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप का मतलब डाउनवर्ड, ठीक। और स्लोप हमेशा टेंजेंट थीटा के बराबर होती है, स्लोप इज ऑलवेज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक। तो एक बात बताओ टेंजेंट की कितनी डिग्री का वैल्यू वन होता है, यस 45 डिग्री। तो इसका मतलब यहां पे स्लोप माइनस वन आ रही है, माइनस तो मतलब डिक्रीजिंग स्लोप है, ये श्योर है कि माइनस डिक्रीजिंग स्लोप है, और टेंजेंट थीटा वन कब होता है जब 45 डिग्री, यानी यहां स्लोप ऐसे डिक्रीजिंग आएगी यू करके, और इसका जो हमारे पास थीटा होगा वो 45 डिग्री, यानी स्लोप 45 डिग्री पे आएगी और डिक्रीजिंग स्लोप होगी। अब इसमें इंटरसेप्ट भी है, इंटरसेप्ट यहां पे लॉग ऑफ ए है। अब इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करो, ये यहां आके मिला वाई एक्सिस पे, तो यहां से यहां तक ये जो वैल्यू आई बच्चों, ठीक, जो ग्राफ का पोर्शन हमारा यूज नहीं हुआ कौन सा, यहां से यहां तक, ठीक है जी, ये यहां से यहां तक, सो दिस विल बी लॉग ऑफ के, ये लॉग ऑफ के होगा, या आप बोल सकते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ के। तो ये लॉगरिथमिक ग्राफ हो गया बॉयल्स लॉ का। तो बॉयल्स लॉ का लॉगरिथमिक ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है,
will negative slope at an angle of 45 degree and intercept is log of k. बोलो प्यारे बच्चों, is it clear or not? सभी बच्चों को मेरी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, yes, शाबाश शाबाश, सारे बच्चे लिखेंगे, good. तो ये तो हो गया बेटा लॉगरिथमिक ग्राफ. तो ग्राफिकल स्टडी लॉग ऑफ के. बेटा कुछ पूछना चाह रहे हो प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड आस्क. यस यस, अनम्यूट योर माइक एंड आस्क. ओजस ने लिखा कि सर इसका यूज क्या है. अरे भाई ग्राफ का क्या यूज होता है. स्नेहा, स्नेहा कांट अनम्यूट, तो पूछना क्या चाह रही है स्नेहा. सर लॉग के, बेटा लॉग के इधर देख, लॉग ऑफ के जो हो गया वो इंटरसेप्ट हो गया. ठीक, इंटरसेप्ट हो गया. और इंटरसेप्ट हम बेटा इस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करते हैं, बढ़ाते हैं, वाई एक्सिस पे मिलाते हैं. ठीक, तो वाई एक्सिस पे ये लॉग ऑफ के बराबर होगा हमारे पास. ठीक है ना, जहां पे ये काटेगा. अब और सर एक्स एक्सिस पे हम वहां पे भी देख सकते थे बेटी, पर वो ग्राफ बन ही यहां से यूं को रहा है, इसलिए हमने देखा कि इसकी ओरिजिन कहां से होनी है, शुरुआत कहां से होनी है. इंटरसेप्ट का एक्चुअली मतलब होता है शुरुआत कहां से होनी है. तो इसलिए ये होनी तो कोई ना कोई शुरुआत में तो वॉल्यूम होनी थी, जीरो वॉल्यूम से तो शुरू करना नहीं था, इसलिए आगे से शुरू किया. पर अगर एक्सट्रापोलेट करेंगे तो कहां से ये एक्चुअली ओरिजिनेट होगा ग्राफ. दिस विल ओरिजिनेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वैल्यू एंड दैट इज कॉल्ड एज लॉग ऑफ के इंटरसेप्ट, जहां से एक्चुअली ग्राफ की ओरिजिनेशन हो सकती थी. ठीक है बच्चे. और रही बात ओजस्वी जी, आप पूछ रहे हैं ग्राफ का इसका यूज क्या है. अरे भैया डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पी पे डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी निकालना, हम इससे निकाल सकेंगे कि नहीं. डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी से डिफरेंट वैल्यू ऑफ पी निकालना, ठीक, अलग अलग वैल्यू से आराम से प्लॉट करके निकाल लेते हैं. तो हर ग्राफ का यूज यही हुआ करता है. तो ग्राफिकल स्टडी समझ में आई होगी आपको. पहला ग्राफ हमने पढ़ा था पी वर्सेस वी, ठीक, विच वॉज पी वर्सेज वी वॉज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. पी वर्सेज वी वॉज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट इज पीवी ग्राफ. आगे थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होगा वर्क निकालते हुए, वेरी इंपॉर्टेंट पीवी ग्राफ. ठीक, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. उसके बाद दूसरा आपने पढ़ा पी वर्सेज वी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन. फिर पढ़ा पीवी वर्सेज पी या पीवी वर्सेज वी, दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. और फिर पढ़ा हमने अपना लॉगरिथमिक ग्राफ. लॉगरिथमिक ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप, लॉग ऑफ पी वर्सेस लॉग ऑफ वी. ठीक, एंड नेगेटिव स्लोप इज एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री बिकॉज स्लोप हियर इज -1. सो उम्मीद करता हूं आपको ग्राफिकल स्टडी अच्छे से क्लियर हो गई होगी बॉयल्स लॉ की. तो हमने बॉयल्स लॉ क्या है ये पढ़ लिया, बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल स्टडी पढ़ ली. लेकिन अब बात आती है जस्ट एक बहुत अच्छे को, सर इसको क्यों पढ़े, हम बॉयल्स लॉ क्यों पढ़े, इससे क्या पता चलता है, यानी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. सो अगली बात हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ. अगली बात हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ. बेटा बहुत सारी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है बॉयल्स लॉ. सबसे पहली बात व्हाई माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम. क्वेश्चन है व्हाई माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम. जो हमारे माउंटेनियर्स होते हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले या कहीं पर्वतों पे चढ़ने वाले, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं. व्हाई, व्हाट इज द रीजन.
देखो बेटे ये बॉयज लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे हम ऊपर जाएंगे हिल्स में जाते रहेंगे, ऊपर एयर का कॉलम कम होता रहेगा, है ना बेटा। हम ऊपर को जा रहे हैं तो एयर का कॉलम हमारे ऊपर कम होता रहेगा, यानी प्रेशर कम होता रहेगा। अगर प्रेशर कम होता रहा तो वॉल्यूम बढ़ती रहेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ती रही अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ी तो डेंसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना जी। तो जैसे एज वी असेंड अबव द हिल्स, ठीक, एज वी असेंड अप द हिल्स प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस डेंसिटी डिक्रीजेस, तो आसपास एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी। एयर की डेंसिटी कम हो जाना यानी कि कम एयर का होना, तो आसपास एयर कम होगी, हमें सांस के लिए ऑक्सीजन कम मिलेगी, एंड दैट इज व्हाई वी फील माउंटेन सिकनेस। इसलिए हमें माउंटेन सिकनेस होती है, और इसीलिए जो हमारे माउंटेनियर्स हैं अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाते हैं, ठीक, क्योंकि जैसे वो ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा तो बॉयज लॉ कहता है वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, तो आसपास एयर की डेंसिटी कम होने से ऑक्सीजन सांस लेने के लिए कम मिलेगी, और अगर ऑक्सीजन कम मिली सांस लेने के लिए तो बेटा उनको मुश्किल होगी, इसलिए वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में लेके चलते हैं। इसीलिए इसकी दूसरी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हम ये भी लिख सकते हैं कि वी फील माउंटेन सिकनेस when we move up on a mountain, जैसे ही हम ऊपर जाते हाइट्स पे जाते हैं, ठीक, तो क्या होता है, हमें माउंटेन सिकनेस होती है। माउंटेन सिकनेस का मतलब क्या है बेटा, माउंटेन सिकनेस का मतलब नौसिया हो जाना। नौसिया क्या होता है, वॉमिटिंग की फीलिंग होना, ठीक, वॉमिट्स हो जाना, वॉमिटिंग, ठीक, हेडेक हो जाना, ठीक, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होना, और इवन नोज से ब्लड आ जाना, कमिंग आउट ऑफ ब्लड फ्रॉम नोज, ये सारी माउंटेन सिकनेस है बेटा। तो जैसे हम अबव द हिल जाते हैं तो प्रेशर कम होने से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से हमारे पास डेंसिटी एयर की कम हो जाएगी, हमारे पास एयर की डेंसिटी कम होगी, हमें कम ऑक्सीजन मिलेगी, उस वजह से हमारी बॉडी जिसको ऑक्सीजन ज्यादा लेने की आदत है उसको कम ऑक्सीजन मिलेगी, तो इसलिए हमें ज्यादा फास्ट यू कैन से ब्रीदिंग होगी, हमें सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना बेटा। जैसे तुम मान लो मनाली चले गए, शिमला चले गए और ऊपर जा रहे हो तो तुम्हें सांस ज्यादा चढ़ेगा, वहां के लोकलाइट्स बड़ी आराम से मूव करते रहते हैं, लेकिन हमें सांस चढ़ेगा क्योंकि वी आर नॉट प्रोन टू दैट कंडीशन, हम अडेप्टेड नहीं है, हम यहाँ चंडीगढ़ में रहने वाले हैं, तो होगा क्या कि हम लोग जो है हमें ज्यादा एयर लेने की आदत है, हमारे आसपास एयर डेंस होती है, लेकिन जैसे हम अपसाइड जाएंगे तो एयर की डेंसिटी कम होगी, इसलिए हमें सांस लेने के लिए एयर कम मिलेगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी, उसकी वजह से हमें जल्दी जल्दी सांस आएगा, ठीक, मतलब ब्रेथलेसनेस होनी शुरू हो जाएगी, नौसिया होना शुरू हो जाएगा, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाएगी, और कई बार क्योंकि ब्लड का प्रेशर अंदर ज्यादा है ना, तो नाक में जो कैपिलरीज होती है ब्लड की बहुत पतली होती है, कई बार वो फट जाती है और नोज से ब्लड आना शुरू हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट माउंटेन सिकनेस। बोलो इज इट क्लियर बेटे, ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन का जवाब देना बेटा, अगर तुम्हें क्लियर है तो एक क्वेश्चन का जवाब देना, आर्यन आपसे इसका आंसर चाहूंगा। आर्यन एक बात बताओ, हमने ये कहा कि माउंटेनियर कैरीज ऑक्सीजन सिलेंडर, वी फील माउंटेन सिकनेस, क्योंकि जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रेशर बढ़ने से, प्रेशर कम होने से वॉल्यूम बढ़ता है, पर बेटे क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है
तो क्या हम बॉयज लॉ अप्लाई कर सकते हैं? यस आर्यन, कैन यू गिव मी द आंसर प्लीज? मे बी, क्योंकि गैस इतनी ज्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो वो फैक्टर निग्लेक्ट हो सकता है. वो फैक्टर निग्लेक्ट नहीं कर सकते, टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट. ये ना अपने सबसे इंटेलिजेंट दोस्त को पूछना ये क्वेश्चन का आंसर, कोई जवाब नहीं होगा. ठीक, उनके टीचर ने भी यही पढ़ाया होगा जो तुम्हें बताया, पर कोई जवाब नहीं है. पर मैं तुम्हें जवाब देता हूं बेटा, ध्यान से सुनो. बेसिकली ये बिल्कुल सही है कि जो चंडीगढ़ का टेम्परेचर है वो कोई माउंट एवरेस्ट का टेम्परेचर थोड़ी होगा. ठीक, ऑब्वियसली टेम्परेचर तो कम होगा, लेकिन हम कंपैरिजन करते हैं सेम टेम्परेचर का. हम कहते हैं अगर माउंट एवरेस्ट में -10 degree है, मान लो वैसे तो -70, -80, कितना भी होगा, मान लो हम एक टेम्परेचर ले लेते हैं -10 degree एट माउंट एवरेस्ट, तो उधर जितनी डेंसिटी होनी चाहिए थी एयर की और चंडीगढ़ में जितनी डेंसिटी होनी चाहिए एयर की -10 degree पे, उसको कंपेयर करते हैं. टेम्परेचर को क्विंट रन के तब कंपेयर करते हैं. हम ये मान के चलते हैं कि अगर मान लो हम 25 डिग्री पे चंडीगढ़ में जितनी डेंसिटी होनी चाहिए, क्या 25 डिग्री माउंट एवरेस्ट पे अगर टेम्परेचर हुआ उतनी डेंसिटी होगी? नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर हमने कॉन्स्टेंट रखा, वहां प्रेशर तो कम होगा ही. तो बॉयज लॉ अप्लाई करके देख लेते, वहां डेंसिटी कम होगी, इसका मतलब वहां एयर कम होगी. ठीक, अब चलो टेम्परेचर कम हो गया, हम कम का जितनी हमें चंडीगढ़ में मिलनी थी ना एयर, उतनी वहां नहीं मिलेगी किसी भी टेम्परेचर में. ठीक, समझ में आया? इसलिए पहले से हम तैयारी लेके चलते हैं कि हाँ जी ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएंगे, क्योंकि ऊपर एयर कम होगी. अगर हम यहाँ -10 degree, क्योंकि देखो बेटा ऐसा नहीं होता कि माउंटेनियर को पहले दिन ही चढ़ा देते हैं माउंटेन पे, चलो भाई चढ़ जा, ऐसा थोड़ी होता है. पहले क्या होता है, उसको ट्रेनिंग देते हैं. ठीक, ट्रेनिंग कैसे देते हैं? उसको ऐसे एटमोस्फेयर में रखते हैं जैसे पहले हम नेपाल जाके अपने आप को एक्लिमटाइज करता है, जिसने माउंट एवरेस्ट चढ़ना होता है पहले नेपाल जाता है, अपने आप को उस एटमोस्फेयर में एक्लिमटाइज करता है, फिर उसको कम टेम्परेचर पे भी बेस कैंप में रखा जाता है ताकि उसको वहां एयर लेने की आदत हो. पर जितनी एयर वहां मिलेगी उतने टेम्परेचर पे, हमें पता माउंट एवरेस्ट पे उतनी नहीं मिलेगी, तो साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर दे के भेजते हैं. तो यहाँ बेटा हम कंपैरिजन सेम टेम्परेचर पे ही करके चलते हैं, दो वहां पे टेम्परेचर सेम नहीं होता, इट इज जस्ट कंपैरिजन. और उस वजह से हम पहले से तैयारी करके चलते हैं कि वहां पे एयर इतनी कम नहीं, इतनी ज्यादा नहीं होगी. नाउ सेटिस्फाइड विद माय आंसर? यस सर. ओके, नाउ इसी के ऊपर एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस और बताता हूं मजेदार से. रशियन देखे, रशियन है, रशियन लोग वो 6-6 feet लंबे लाल टमाटर की तरह है, क्यों होते हैं रशियन इतने लंबे क्यों होते हैं? यहाँ इंडिया की एवरेज हाइट जो है ना, इंडियंस की एवरेज हाइट जो है वो 5.7 है, रशियन की एवरेज हाइट 6.1 है. ठीक, और फिर आपने देखो अगर जितने एथलेटिक्स के इवेंट्स हैं, ठीक, मैक्सिमम रशियंस डू वेरी वेल, है ना बेटा? व्हाई इज इट सो? वेरी सिंपल लॉजिक, कुछ भी नहीं बेटा. क्या होता है कि रशिया में ऊपर चले जाओ, हमारे कश्मीरी लंबे लंबे होते हैं, ठीक, और गाल लाल लाल होते हैं. दिस इज एन अडैप्टेशन, ये बॉडी की अडैप्टेशन है बेटा, क्योंकि वहां पे एयर कम होगी एज कंपेयर टू इंडिया. तो क्या होगा, बॉडी ने अडैप्ट कर लिया, थोड़ा लंबा हो गया बंदा, लंबा होने से ज्यादा एयर तक उसकी पहुंच बन जाएगी. हम छोटे, हमारी एयर की पहुंच थोड़ी कम होगी, और जो लंबा होगा उसकी एयर की पहुंच ज्यादा होगी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एयर को ले सके, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ले सके, इसलिए उसकी हाइट बढ़ जाती है. और फिर वो लाल लाल क्यों हो जाते हैं? वो लाल लाल इसलिए हो जाते हैं, आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है. ठीक, उनके अंदर आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है, हमारे अंदर आरबीसी का नंबर कम होता है, उनके अंदर आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है, क्योंकि वहां एयर स्कैंटी है, एयर थोड़ी सी स्कैंटी है, यानी कि थोड़ी सी कम है, इसलिए बॉडी ने अपने आप को अडेप्ट किया, ज्यादा आरबीसीज का नंबर बना लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर को एंट्रैप किया जा सके. ठीक, इस वजह से वहां आरबीसी का नंबर भी ज्यादा होता है, कद भी बड़ा होता है. इट इज अगेन अ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अ बॉयल्स लॉ. गॉट इट और नॉट? ठीक, अगला. इसी तरह से तीसरा, एयर is most dense at sea level. Sea level पे
एयर जो होती है सबसे डेंस होती है। क्यों भाई? बेटा सी लेवल यानी नीचे, जैसे नीचे जाते रहेंगे ऊपर एटमॉस्फेयर ज्यादा होता रहेगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर बढ़ता गया तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगी, वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी। इसलिए एयर इज वेरी डेंस एट सी लेवल। सी लेवल पे एयर बहुत डेंस होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक, तो ये हमारे पास क्या क्या था, ये इसकी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस थी कि हमें माउंटेन सिकनेस क्यों होती है, माउंटेनियर ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों कैरी करते हैं, या एयर सी लेवल पे डेंस क्यों होती है, रशियन 6 फीट लंबे क्यों होते हैं, उनमें आरबीसी का नंबर ज्यादा क्यों होता है, ये सब चीजें इसी के ऊपर डिपेंड करती है बेटा। इट इज अ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयज लॉ। उम्मीद करता हूं बॉयज लॉ की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, चलिए बेटे अब हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ बॉयज लॉ। ठीक, न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ बॉयज लॉ, हमने पहले इसको समझा, फिर इसकी ग्राफिकल स्टडी की, फिर इसकी प्रैक्टिकल स्टडी की, प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेस पढ़े। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ बॉयज लॉ, न्यूमेरिकल स्टडी ऑफ बॉयज लॉ। देखो बेटे बॉयज लॉ जो है वो जस्ट भी पूछ रहे व्हाई वी कॉल इट एज मैरिथ लॉ। बेटा मैरिथ वॉज अनदर साइंटिस्ट जिसने यही लॉ दिया था। ठीक, बट बॉयल्स का लॉ ज्यादा प्रचलित हो गया क्योंकि बॉयल जो था वो ज्यादा एमिनेंट साइंटिस्ट था। ठीक, बट मैरियथ ने भी सेम लॉ दिया था। ठीक, नाउ न्यूमेरिकल स्टडी की जहां तक बात करें तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1V1 इज इक्वल टू P2V2 और इक्वल टू P3V3। तो सबसे पहले हम टाइप वन टाइप क्वेश्चन के करेंगे। टाइप वन क्वेश्चन टाइप वन, सिंपल पीवी बेस्ड क्वेश्चंस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, पीवी बेस्ड क्वेश्चंस, ये 2+2 वाले क्वेश्चंस। जैसे बेटे हमें क्वेश्चन दे दिया, लिख लीजिएगा 500 मिलीलीटर ऑफ अ गैस 500 मिलीलीटर ऑफ अ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 180 mm ऑफ मर्करी, एट अ प्रेशर 180 mm ऑफ मर्करी। ठीक, 500 मिलीलीटर ऑफ अ गैस एट अ प्रेशर ऑफ 180 mm ऑफ मर्करी एट 297 केल्विन is taken। ठीक है जी, एक गैस ली, 500 मिलीलीटर गैस ली, प्रेशर 180 mm था और 297 केल्विन टेम्परेचर था। ठीक, अब बोला कि कैलकुलेट नंबर वन वॉल्यूम एट 750 mm, कैलकुलेट वॉल्यूम एट 750 mm, एंड दूसरा है इट्स प्रेशर इफ इट्स वॉल्यूम बिकम 200 मिलीलीटर, इफ इट्स वॉल्यूम बिकम्स 200 मिलीलीटर, एज्यूमिंग टेम्परेचर is kept constant in both the cases. Temperature constant रखना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में हमारे पास ये वॉल्यूम दिया था, यानी V1 था 500 मिलीलीटर, उस समय P1 यानी प्रेशर 1 था 180 mm, V2 हमें वॉल्यूम निकालनी है और P2 जब प्रेशर 750 दे रखा है और बोला है टेम्परेचर कांस्टेंट है। बेटा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयज लॉ लगाएंगे
तो बाय बॉयल्स लॉ, बाय बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू होता है बेटा. तो ऑब्वियसली हमें यहां पे वी टू निकालना है, तो वी टू आ जाएगा पी वन वी वन अपॉन पी टू. पी वन कितना है 180, वी वन कितना है 500 और पी टू कितना है 750. You can easily calculate V2 out of it. I think so. It will come out to be 120 milliliter. बोलो बेटे पहला क्वेश्चन क्लियर or not? Very simple. Similarly, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास शुरुआत का प्रेशर वॉल्यूम तो पता ही है. V1 हमें दिया गया था 500 milliliter और P1 हमें दिया गया था 180 mm. अब हमें बोला V2 200 ml हो गया है और P2 कितना है ये आपको निकालना है. और टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट है. यू कैन इजीली यूज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. हियर वी हैव टू कैलकुलेट P2 दैट इज P1 V1 अपॉन V2. तो P1 कितना है 180 है, V1 कितना है 500 है और ये 200 है. आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो ये 450 मिलीलीटर इसका आंसर आ जाता है. उम्मीद करता हूं बहुत 450 mm नॉट मिलीलीटर दिस प्रेशर ना mm ऑफ मर्करी ये इसका प्रेशर आ जाता है. तो बोलो इस तरह के क्वेश्चन तो कर ही लेते हो. सिंपल P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 टाइप. इज इट क्लियर? यस. दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. ठीक, अब हम टाइप 2 की तरफ चलते हैं. टाइप वन था पीवी बेस्ड क्वेश्चंस, वेरी सिंपल. प्रेशर दिया है, वॉल्यूम चेंज कर दिया है, प्रेशर निकालना है. प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, प्रेशर चेंज कर दिया, वॉल्यूम निकालना है. सो वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस. नाउ नेक्स्ट देखिएगा प्लीज. टाइप टू हम बात करेंगे है हाइट एंड डेप्थ बेस्ड क्वेश्चंस. हाइट एंड डेप्थ बेस्ड क्वेश्चंस ध्यान से समझना है. मान लो ये एक लेक है. इस लेक के सरफेस पे मैंने एक बैलून ले लिया है जिस बैलून में 10 लीटर एयर है, जिसमें 10 लीटर एयर है. अब मैंने इस बैलून को लेक में सबमर्ज कर दिया है 100 मीटर डाउन इस लेक में मैंने इस बैलून को सबमर्ज कर दिया है, यानी डुबो दिया है, इस लेक में डाल दिया है. और मुझसे पूछा कि इस समय वॉल्यूम कितना होगा एज्यूमिंग प्रेशर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट. क्वेश्चन समझे. एक बैलून था 10 लीटर का एट द सरफेस ऑफ लेक. ये सरफेस है लेक का, सरफेस ऑफ लेक. मैंने इसको क्या किया 100 मीटर डाउन डाल दिया लेक के अंदर और फिर पूछा इसका वॉल्यूम कितना होगा. नाउ हाउ टू डू दिस क्वेश्चन. देखो बेटे हमारे पास इसमें जो गिवन है, गिवन क्या क्या है. V1 वॉल्यूम इज गिवन 10 लीटर एंड प्रेशर P1 दैट इज 1 एटमॉस्फेयर. क्योंकि यहां तो सिर्फ एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा होगा तो 1 एटमॉस्फेयर होगा. नाउ V2 जो कि हमें कैलकुलेट करना है और P2 प्रेशर कितना होगा यहां पर. बेटे ये वाला तो लगेगा ही लगेगा, साथ में प्रेशर ऑफ वॉटर भी लगेगा. तो यहां पर आएगा 1 एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ऑफ वॉटर. नाउ बेटा ये बैरोमेट्रिक प्रेशर है तो वॉटर के प्रेशर को भी मर्करी की टर्म में कन्वर्ट करना होगा ना भाई, तभी ऐड कर सकोगे. तो कन्वर्जन ऑफ कॉलम सिखाया था ना मैंने इसीलिए. ठीक, तो पहले इस 100 मीटर को आप कन्वर्ट कर दो किसमें, मर्करी की हाइट में. फिर 76 से डिवाइड करके प्रेशर आ जाएगा मर्करी की टर्म में, फिर ऐड करेंगे. ठीक, यानी सबसे पहले हम यहां लगाएंगे रो ऑफ मर्करी
height of mercury is equal to rho of water, height of water. मुझे height of mercury पहले निकालना था, rho of water, height of water divided by rho of mercury. बेटे water की height कितनी है, water का density कितना है, one. Height कितनी है बेटे, सेंटीमीटर में लेना या मीटर है, तो 100 into 100 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6. यानी यहां पे हाइट जो आ गई मर्करी की वो 10,000 डिवाइडेड बाय 13.6 आ गई. तो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मर्करी कैसे निकालते, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मर्करी जल्दी बोलो, हाउ वी कैलकुलेट प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मर्करी, डिवाइडिंग बाय 76. तो इसको 76 से डिवाइड कर दिया, ठीक, ये लो 76 से डिवाइड हो गया. नाउ दिस इज प्रेशर ऑफ वाटर. अब आप जो P2 है, P2 में 1 एटमॉस्फेयर प्लस ये यहां से ऐड कर दो, प्रेशर ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ मर्करी, इन टर्म्स ऑफ मर्करी, मर्करी के टर्म में वाटर का प्रेशर कैलकुलेट कर लिया है, इसको यहां ऐड करो, टोटल प्रेशर आ जाएगा. जब टोटल प्रेशर आ जाएगा तो P1 V1 is going to P2 V2 लगा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा. बोलो एम आई क्लियर और नॉट, तो सारे बच्चों को क्लियर है ये. इसी तरह का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक, जिस बच्चे को थोड़ा बहुत डाउट भी रह गया हो, ताकि वो इसके आगे करना है, इधर ही मत छोड़ देना, ये प्रेशर को यहां ऐड करना, फिर P2 आएगा, देन अप्लाई बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक. नाउ एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का. मान लो मैंने कहा कि ये सरफेस ऑफ लेक है, यहां पे फिर से मैंने बैलून ले लिया 10 लीटर का और उसको मैंने बॉटम ऑफ लेक तक डुबो दिया, ठीक, बॉटम ऑफ लेक तक डुबो दिया, ये हमारे पास आ गया सरफेस ऑफ लेक, ठीक है जी, और ये आ गया लेक बेड या फिर बॉटम, बॉटम ऑफ सरफेस. जो बॉटम ऑफ सरफेस पे ये आ गया तो यहां वॉल्यूम 1 लीटर था, यहां वॉल्यूम 1 लीटर था, तो मैंने ये ढूंढना है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ लेक, ठीक, हमें ढूंढना है डेप्थ ऑफ लेक टेकिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ठीक है जी. सी हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन बेटा, यहां पे P1 प्रेशर 1 विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, V1 विल बी 10 लीटर, V1 विल बी 10 लीटर, और बेटा जी हमारे पास P2 प्रेशर 2, पहले प्रेशर 2 तो हमें निकालना पड़ेगा, हमें नहीं पता है कितना है, लेकिन वॉल्यूम 2 पता है हमें कितनी है, 1 लीटर. सो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, सो P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन P2 अपॉन V2, ठीक है जी. तो P2 जो आएगा 1 × 10 डिवाइडेड बाय V2 कितना, 1 लीटर, तो P2 आ गया 10 एटमॉस्फेयर, पर ये मर्करी के टर्म्स में, और ये जो P2 है, P2 विल बी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर जो कि एटमॉस्फेयर का है प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, है ना जी, और P2 आया 10, 10 इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर, तो प्रेशर ऑफ वाटर कितना आया, 10 माइनस 1 दैट इज 9 एटमॉस्फेयर. अब 9 एटमॉस्फेयर को अगर 76 से मल्टीप्लाई कर दे तो हाइट आ जाएगी, पर ये मर्करी की टर्म्स में निकल रहा है, तो हाइट इन टर्म्स ऑफ मर्करी वो 9 × 76 हो जाएगा,
क्योंकि 9 एटमॉस्फेयर जो निकाला वो मरकरी के टर्म्स में निकल रहा है ना भाई, क्योंकि हम तो मरकरी के टर्म्स में चल रहे हैं अभी तक। तो ये हाइट आ गई मरकरी की, अब आपको निकालना हाइट ऑफ वाटर है ना जी, वही डेप्थ देगा हमारे को। तो हाइट ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, रो ऑफ मरकरी, हाइट ऑफ मरकरी, रो ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर। सो हाइट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू रो ऑफ मरकरी इनटू हाइट ऑफ मरकरी बाय रो ऑफ वाटर। रो ऑफ मरकरी 13.6, हाइट 9 × 76 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। तो बेटे सेंटीमीटर्स में आपकी क्या जाएगी डेप्थ, मीटर में कन्वर्ट करना होगा, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो डेप्थ निकल आएगी। बोलो बेटे डेप्थ निकालनी आई कि नहीं आई, जल्दी बोलना यस और नो। कोई चीज पूछनी हो तो ये डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया कैसे डेप्थ निकालते हैं किसी लेक की या किसी भी जगह की डेप्थ कैसे निकालते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन लिखो और अब तुम करके देखना है ना भाई। ठीक, ये मिटा दो जी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको करना है, क्वेश्चन लिखिएगा। हमने कहा कि हमारे अंगद भैया जो थे, ठीक, हमारे जो अंगद भैया हैं, उन्होंने एक गुब्बारा ले लिया, ठीक, एक गुब्बारा ले लिया, ये अंगद भैया हैं, इन्होंने गुब्बारा ले लिया, ठीक है जी, और गुब्बारे के साथ खेल रहे थे। अब क्या हो गया कि ये जो गुब्बारा था इसकी वॉल्यूम 500 मिलीलीटर थी, गुब्बारे की वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, ठीक है जी। और क्या हुआ, खेलते खेलते इनको ठोकर लग गई, गुब्बारा हाथ से छूट गया, जैसे हाथ से छूटा ये ऊपर डिसेंड करने लगा, ठीक। जब ये 500 मिलीलीटर था तो ये 5/6 ऑफ इट्स टोटल कैपेसिटी, इट्स टोटल कैपेसिटी, जितनी इसकी टोटल कैपेसिटी थी उसका 5/6 पार्ट ये भरा हुआ था। अब ये गुब्बारा छूट गया भाई, ऊपर जाने लगा, जब ये ऊपर जाने लगा आपको ये बताना है किस हाइट पे जाके वो फट जाएगा, किस हाइट पे जाके वो फट जाएगा, जबकि हमें ये दिया होता है कि विद 100 meter, विद 100 meter या 100 centimeter कह लो, विद 100 centimeter rise in height, pressure decreases by 1 mm. ठीक, अब इस क्वेश्चन को मैं लिखवा देता हूं, लिख लीजिए क्वेश्चन। On the surface of Earth, at 1 atmosphere pressure, on the surface of Earth, at 1 atmosphere pressure, a balloon filled with hydrogen gas. A balloon filled with hydrogen gas occupies 500 milliliter. This volume is five by sixth of its maximum capacity. This volume is 5/6 of its maximum capacity.
The balloon is let in air. The balloon is let in air. And it starts rising. Balloon is let in air and it starts rising. Calculate the height. Calculate the height. Above, balloon will burst. Above, balloon will burst. When, with every 100 centimeter rise in height, when, with every 100 centimeter rise in height, when, with every 100 centimeter rise in height, volume decreases by 1 mm. Volume decreases by 1 mm. Assume temperature is kept constant. Assume temperature is kept constant. Likh liya bachcho, shuru karo karna. Yes, Arnav, correct video. Ab dekho bachche, kaise karna tha question. Dekho, simple baat ye hai ki hamare paas gubara tab tak nahi phatega jab tak wo apni full capacity attain nahi kar lega. Gubara tab tak nahi phatega jab tak apni full capacity attain nahi kar lega. तो पहले तो देख लें फुल कैपेसिटी कितनी है. फुल कैपेसिटी ऑफ बैलून. फुल कैपेसिटी ऑफ बैलून. ठीक बेटे, देखो हमें पता है कि 500 मिलीलीटर जो है इज इक्वल टू 5/6 ऑफ टोटल. तो बेटा फुल कैपेसिटी यानी फुल कैपेसिटी जो होगी वो कितनी होगी 500. Therefore, full capacity is 500 divided by 5/6. That is 500 divided by 5 into 6. कोई बात ना भाई, 500 milliliter is this, one is 5/6. यानी आप इसको लिखते हैं 5/6 will be equal to 500 milliliter. ऐसे लिख सकते थे 5/6 इज इक्वल टू 500 मिलीलीटर. तो फुल 1 इज 500 डिवाइडेड बाय 5/6. तो ये कैंसिल. तो फुल कैपेसिटी कितनी हो गई 600 मिलीलीटर. तो मैक्सिमम कैपेसिटी 600 मिलीलीटर. जैसे ही 600 मिलीलीटर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा फट जाए. तो देखो भाई, हमारे पास प्रेशर 1 P1 वो 1 एटमोस्फेयर था. V1 वो 500 मिलीलीटर था. P2 जिस पे प्रेशर पे वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी अटेन कर लेता है, और मैक्सिमम कैपेसिटी V2 इज 600. तो आप वो P2 निकाल लो जहां पे मैक्सिमम कैपेसिटी अटेन कर लेता है. तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन V2. सो व्हाट इज P1? P1 इज 1 एटमॉस्फेयर, V1 इज 500, V2 इज 600. ठीक है जी. सो यू कैन इजिली कैलकुलेट हियर व्हाट शुड बी द P2. ठीक, आप चाहो इस 1 एटमॉस्फेयर को mm में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि mm में दिया है ना. तो इसको 760 mm लिख दो. तो यहां पे 760 लिख दो. सो ये जब हम सॉल्व करेंगे ये 633.3 mm आ जाएगा. ये P2 है. तो डिक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ? डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर कितना कम हुआ? पहले था हमारे पास 760 mm, अभी कितना हो गया? 633.3 यानी 126.7 approximately 126.7 mm प्रेशर का डिक्रीज हो गया. दिस इज डिक्रीज इन प्रेशर.
और क्वेश्चन हमें बोलता है कि अगर 100 सेंटीमीटर अबव गया तो 1 mm प्रेशर कम होता है ना भाई। तो 1 mm प्रेशर डिक्रीजेस बाय हाइट इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और हमारा डिक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ है 126.7 mm प्रेशर डिक्रीज बाय हाइट, 100 इंटू 126.7 सेंटीमीटर, अगर मीटर में चाहिए तो डिवाइडेड बाय 100 कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 126.7 मीटर। पर बेटे यहां पे कंपटीशन में हम क्या गलती करेंगे, हमें चार ऑप्शन दे दी गई होंगी, ठीक, हमें बोलेंगे ए आंसर 126 mm, बी आंसर 126.7 mm, सी आंसर 127 mm और डी आंसर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। ठीक, देखो प्यारे बच्चों, ये जो हाइट हमने देखी है ये तो तब की है व्हेन इट विल एक्वायर द मैक्सिमम वॉल्यूम, यहां पे फटेगा नहीं, ये तो मैक्सिमम वॉल्यूम एक्वायर करेगा ना। आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन के ऊपर लिखा हो अबव विच द बैलून विल बी बस्ट, बैलून विल बस्ट, अगर क्वेश्चन में अबव विच दिया तो आंसर यही होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन दिया एट विच हाइट द बैलून विल बस्ट, तो इस हाइट पे बैलून फटेगा नहीं, इस हाइट पे वो अपनी मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम वॉल्यूम अटेन रहा है, तो आंसर ये होगा। यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसके ऊपर जाके अगर आप सब्जेक्टिव में भी लिखते हो तो लिखोगे अबव 126.7 मीटर द बैलून विल बस्ट, पर अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी अबव विच लिखा हो तो बेटे हम ये आंसर देंगे, और क्वेश्चन में अगर एट विच बोला हो तो बेटे इस आंसर पे तो नहीं वो फटेगा, उससे ऊपर वाले पे फटेगा। बोलो लोचा समझ में आया? है ना, ये गलती नहीं करना, मैक्सिमम बच्चे करेंगे, तुम नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हें पहले ही समझा के चला हूं मैं कि क्वेश्चन को ध्यान से देखना है अबव विच या एट विच। तो बोलो बड़े हाइट एंड डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन समझ में आते हैं? ओके, अब चलते हैं टाइप थ्री, ये टाइप टू था, अब पकड़ेंगे टाइप थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप थ्री, चलिए जी, अब जो टाइप थ्री है, टाइप थ्री दे आर कॉल्ड एज डबल वेसल सिस्टम, डबल वेसल सिस्टम। डबल वेसल सिस्टम पे क्वेश्चन करेंगे डॉक्टर, ध्यान से देखिएगा ताकि समझ में आ सके। देखो बेटे, हमें दिया कि एक वेसल था, एक फ्लास्क था, ठीक, जिसकी अननोन वॉल्यूम वी थी, हमें यह नहीं पता था इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसके अंदर हमने गैस डाली थी, गैस एट 1 atmosphere प्रेशर, ठीक है जी, इसको मैंने किसी दूसरे वेसल के साथ जोड़ दिया जिसकी कैपेसिटी 0.5 लीटर थी और वो पूरी तरह से एम्प्टी था, इसको स्टॉप कॉक से जोड़ दिया मैंने, स्टॉप कॉक से जोड़ दिया, ठीक है जी। क्या बोला, एक अननोन वॉल्यूम वाला वेसल था जिसमें गैस 1 atmosphere पे ली गई थी, उसको
मैंने एक वेसल ऐसे के साथ जोड़ दिया जिसका वॉल्यूम 0.5 लीटर था पर वो खाली था और उसको स्टॉप कॉक से हमने बंद कर रखा था। हमने कहा when stop cork is opened pressure fell down to 570 mm in both the vessels. Find the unknown volume V. The unknown volume V. हमें unknown volume V को find out करना है, ठीक है जी? वेरी सिंपल है कि नहीं? देखो शुरुआत में V1 हमें पता नहीं था, वो V थी, पर P1 हमें पता था, वो 1 एटमॉस्फेयर था, और बाद में क्योंकि mm में दिया तो उसको भी mm में कन्वर्ट कर दिया, 760 mm था। V2 फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी जब हमने स्टॉप को खोल दिया, तो गैस के लिए फाइनल वॉल्यूम दिस प्लस दिस, दोनों प्लस हो गए कि नहीं हो गए? सारा सिस्टम एक ही बन गया, तो फाइनल वॉल्यूम हो गया V प्लस 0.5 लीटर, V प्लस 0.5 लीटर, V ये और 0.5 ये, और P2 हो गया 570, और हमने बोला टेम्परेचर इज कैप्ट कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो बाय बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है जी? दैट इज P1 इज 760, V1 इज V, P2 इज 570, V2 इज V प्लस 0.5 लीटर, यानी 760 V, 570 V प्लस 285। तो भैया 760 V माइनस 570 V शुड बी इक्वल टू 285। हाँ जी, ठीक। और यहां से क्या निकाल लेंगे? V, यहां से V निकाल लेंगे, अननोन वॉल्यूम V आ जाएगा। बोलो इज इट क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? तो बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, जल्दी जल्दी करिएगा, फिर इसी पे एक मस्त क्वेश्चन करवाएंगे। एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, मैंने कहा कि मेरे पास एक फ्लास्क था जिसका वॉल्यूम 1 लीटर था, इसमें गैस 1 एटमॉस्फेयर पे थी, इसको एक वेसल के साथ जोड़ा विद स्टॉप कॉक, उसका वॉल्यूम मुझे नहीं मालूम है, उसका वॉल्यूम वी है पर वो शुरुआत में एम्प्टी है, शुरुआत में एम्प्टी है। ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक प्रेशर बिकम्स, ऑन ओपनिंग द स्टॉप कॉक प्रेशर बिकम्स 560 mm इन द सिस्टम। Find V if temperature is kept constant. Chalo, shabash. How to do this? गलत कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे हैं। स्नेहा गलत है। V1 1 लीटर है और P1 1 एटमॉस्फेयर यानी 760 mm है। V2 बेटे 1 प्लस V है, 1 लीटर ये प्लस V,
वन प्लस वी वी टू है, ठीक, और P2 कितना है 560. नाउ यू अप्लाई इवन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, और हमारे पास आ जाएगा इवन 760, वी वन वन, पी टू 560, वी टू वन प्लस वी, तो आया 760 इज इक्वल टू 560 प्लस 560 वी, तो 760 माइनस 560 इज इक्वल टू 560 वी, तो 200 डिवाइडेड बाय 560 इज इक्वल टू वी, यहां से वी निकाला हमने. बोलो क्लियर है कि नहीं? ओके, नाउ इसी पे एक मस्त क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक. देखो डबल वेसल सिस्टम में एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं. डबल वेसल सिस्टम पे एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं. बेटे हमें क्या बोला गया कि मेरे पास एक वेसल था, वो वेसल 1 लीटर का वेसल था, और इसमें 200 मिलीलीटर मैंने पानी ले लिया, 200 मिलीलीटर वाटर ले लिया. इसको मैंने एक और वेसल के साथ जोड़ दिया विद द स्टॉपकॉक, जिसका वॉल्यूम 0.5 लीटर था, ठीक. हमने बोला फाइनल प्रेशर ऑफ सिस्टम व्हेन स्टॉप कॉर्क इज ओपन, ठीक. Aqueous tension is 15 mm and initial pressure in vessel one was 715 mm. Temperature is kept constant. अब क्वेश्चन समझ लो भाई. हमें बोला कि यहां 1 लीटर वेसल था और उसका प्रेशर 715 mm था, ठीक है जी. उसमें 200 मिलीलीटर वाटर भी था. स्टॉप कॉक हमने लगाया, जब इसको खोला, इसको किसी 0.5 लीटर वेसल के साथ जोड़ दिया, जब खोला तो फाइनली प्रेशर कितना हुआ? देखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसमें बहुत सारे डिंपल है, ठीक. कैसे? सबसे पहली बात समझो कि एक्वस टेंशन क्या होती है. बेटे देखो, क्या यहां पे सिर्फ गैस होगी? जबकि हम जानते हैं कि वाटर भी वेपराइज होगा, तो इस वेसल में गैस प्लस वाटर वेपर्स होंगे. तो ये जो प्रेशर 715 mm है, ये मॉइस्ट गैस का प्रेशर है. मॉइस्ट गैस का मतलब जिसमें वेपर्स हैं. मॉइस्ट गैस का मतलब क्या है? जिसमें वेपर्स हैं. बेटे गैस और वेपर अलग अलग चीज है. वेपर जो होता है वो बेटे जिसमें लिक्विड कंटेंट होता है. वेपर वो होता है जिसमें लिक्विड कंटेंट होता है. जैसे आप डीओ लगाते होंगे, तो डीओ को जब दबाते हो एटमाइजर को, यानी उसको जब प्रेस करते हो,
तो उससे गैस बाहर आती, गैस नहीं आती है, वेपर्स बाहर आती है, तो उससे आपकी शर्ट या आपके अंडर आर्म गीली हो जाती कि नहीं हो जाती, होती है ना, बिकॉज इट कंटेन्स लिक्विड कंटेंट, दे आर वेपर्स, दे आर नॉट गैस। और गैस लॉस सिर्फ गैस पे अप्लाई होंगे, वेपर पे अप्लाई नहीं होते, गैस लॉस कभी वेपर पे अप्लाई नहीं होते। और एक्वस टेंशन क्या होती है बेटे, इट इज प्रेशर ऑफ वॉटर वेपर्स। एक्वस टेंशन क्या होती है, प्रेशर ऑफ वेपर्स, प्रेशर ऑफ वेपर्स। अगर मुझे मॉइस्ट गैस का प्रेशर दिया है, हम उस पर कभी भी बॉयल लॉ नहीं लगाएंगे, पहले ड्राई गैस का प्रेशर निकालेंगे। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैसे निकलेगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, दैट इज प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस प्लस एक्वस टेंशन, ठीक है जी, प्रेशर ऑफ रादर माइनस एक्वस टेंशन। मॉइस्ट गैस में से वॉटर वेपर का प्रेशर निकाल दो तो सिर्फ गैस का प्रेशर रह जाएगा, यानी आप प्रेशर ऑफ ड्राई गैस अगर हम निकालेंगे तो मॉइस्ट गैस का प्रेशर था 715 और एक्वस टेंशन कितनी थी 15, तो ड्राई गैस का प्रेशर 700 mm था। बोलो फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलना यस और नो, यस ओके। नाउ जो हमारा P1 बन गया वो हो गया 700 mm, V1 कितना था 1 liter, P2 हमें निकालना था, V2 बेटे 1 liter ये, 0.5 liter ये, तो 1 plus 0.5 liter कितना हो गया 1.5 liter, तो P1 V1 is equal to P2 V2, तो P2 आ गया P1 V1 by V2, P1 कितना 700, V1 कितना 1, और ये कितना 1.5। यू कैन सॉल्व दिस, ठीक, इसको आराम से सॉल्व कर सकते, कोई ज्यादा मुश्किल वाला काम है ही नहीं, ठीक। इसको सिंपली ठीक, तो लगभग हमारे पास जो आंसर आ जाएगा प्रेशर का, ठीक, वो आ जाएगा 1400/3, ठीक, लेकिन दिस विल नॉट बी द फाइनल प्रेशर, क्यों, अब बच्चे यहां तक सॉल्व कर लेंगे। दूसरा डिंपल देखो, पहला डिंपल तो यहां पे ये था कि हमें प्रेशर मॉइस्ट गैस का नहीं लेना है, हमें प्रेशर ड्राई गैस का लेना है, तो उसमें एक्वस टेंशन माइनस करनी है। अब फाइनल प्रेशर जब निकालेंगे तो सिर्फ गैस का ही आया है बेटा, अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो एक्वस टेंशन सेम रहती है, तो यहां से जब स्टॉप को खुला होगा वाटर वेपर्स भी तो यहां आए होंगे, तो फाइनल प्रेशर भी किसका निकलेगा, मॉइस्ट गैस का निकलेगा ना, बॉयल लॉ नहीं लगा सकते मॉइस्ट गैस पे, पर प्रेशर तो फाइनल मॉइस्ट गैस का निकलेगा, तो फाइनल प्रेशर जो होगा, फाइनल प्रेशर वो आएगा P2 प्लस एक्वस टेंशन, दोबारा एक्वस टेंशन प्लस करनी होगी, वो सेम रहेगी क्योंकि टेम्परेचर सेम है, यानी 400/3 प्लस एक्वस टेंशन कितनी 15, ये फाइनल प्रेशर होगा। गॉट इट और नॉट, बॉयल्स लॉ लगाने के लिए हमने एक्वस टेंशन को माइनस किया था ताकि ड्राई गैस पे लगा ले और ड्राई गैस का फाइनल प्रेशर निकाल ले, फाइनल प्रेशर निकालने के बाद एक्वस टेंशन को एड करना पड़ा बेटे, पर अब इसमें गलती बता रहा हूं, यह सारा गलत है क्योंकि हमने एक चीज ध्यान दी नहीं कि ये 1 liter का 1 liter नहीं है वेसल, यहां पे 200 ml क्या है, वाटर भी है, तो बेटे ये बेसिकली B1 800 ml होगा और यहां पे भी 800 + 500 1300 ml होगा, तो सारा का सारा क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा बच्चे, समझ में आया कि नहीं, तो यहां P1 आ जाएगा 700, V1 आ जाएगा 800, P2 आ जाएगा कितना जो निकालना है, P2 आएगा 1300, तो P2 आएगा 700 × 800 / 1300,
और फिर उसमें आप फाइनल प्रेशर जब निकालेंगे तो P2 प्लस 15 करेंगे। बोलो अब क्लियर हुआ ये क्वेश्चन कि नहीं? गलती समझ में आई? तभी मैंने कहा इसमें बहुत सारे ब्लेंडर लोग करते हैं। पहला ब्लेंडर, इसको 1 लीटर ले लेंगे, जबकि 1 लीटर तो है ही नहीं, गैस के लिए तो इतनी जगह है, बाकी तो वाटर ले लिया है, तो 800 मिलीलीटर रह गया गैस के लिए, पहला ब्लेंडर। दूसरा ब्लेंडर, डायरेक्ट ये प्रेशर पुट कर देंगे, ये कर नहीं सकते, ये मॉइस्ट गैस का है, तो उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस करेंगे तो ये प्रेशर पुट करेंगे, ठीक, ये दूसरा ब्लेंडर सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद तीसरा ब्लेंडर, फाइनल प्रेशर इसी को लिख देंगे, नहीं बेटा एक्वस टेंशन तो एड ऑन होनी होनी है, उतनी रहनी है, उसको एड करके प्रेशर लिखना। बोलो क्लियर और नॉट? तो ये डबल वेसल सिस्टम था, उम्मीद करता हूं डबल वेसल सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया? चलो अगला देखते हैं दोस्तों, टाइप फोर। फोर्थ टाइप क्वेश्चन, टाइप फोर, सिलेंडर एंड बैलून टाइप प्रॉब्लम्स, सिलेंडर एंड बैलून टाइप प्रॉब्लम्स। ध्यान से समझ लें, अभी आप लोग कसौली के ट्रिप पे गए थे, सेंटर्स में हैं, सेंटर के ऐसे एक कार्निवल की तरफ ले जा रहे हैं तुम्हारे को, ठीक है, मान लो एक कार्निवल पे तुम सब गए और वहां पे एक बैलून वेंडर बैलून बेच रहा था, ऐसा उसका सिलेंडर होता है, 1 लीटर का सिलेंडर था जिसके अंदर बैलून में कौन सी गैस भरती है? हीलियम गैस, जिसके अंदर हीलियम थी, ठीक है जी, 20 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, ये बैलून वेंडर का सिलेंडर है भैया, ठीक। अब स्नेहा जी दौड़ी दौड़ी इसके पास आई और स्नेहा जी ने बोला मेरे को तो एक बैलून चाहिए, ठीक, बैलून चाहिए, पर बैलून की जो डायामीटर है वो 20 सेंटीमीटर चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, 20 सेंटीमीटर बैलून का डायमीटर का बैलून मेरे को चाहिए, ठीक है। इसको देखे देखे भव्या भी आ गई, कहती मेरे को भी बैलून दो, पर वही वाला देना जो स्नेहा को दिया, छोटा नहीं लूंगी। इसको देख देख करके गर्वित आ गया, कहता मुझे भी दो, और जैसा लड़कियों को उतना ही चाहिए, बिल्कुल सेम साइज का। इसको देख के अंगद आ गया, मेरे को भी दो, ठीक है जी। तेजस भी आ गया, तो सारे बच्चे ठीक आ गए कि हमारे को गुब्बारा दो, और कितना 20 सेंटीमीटर का चाहिए स्नेहा के बराबर, छोटा नहीं लेंगे अपने। अब गुब्बारे वाला कितनों को गुब्बारे दे सकता है? How many balloons can be filled out of this? कितने बच्चों को बैलून मिल सकता है? कितने बच्चे बेचारे ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक। तो देखो बेटे, सबसे पहला काम क्या है, यहां बैलून जो है वो हीलियम से भरना, हीलियम 1 लीटर है, पर कितने पे? 20 एटमॉस्फेयर पे। जब ये बाहर आएगी तो बाहर 1 एटमॉस्फेयर बनेगा ना प्रेशर भाई, तो हमें देखना पड़ेगा 1 एटमॉस्फेयर पे एक्चुअली वॉल्यूम कितनी होगी हीलियम की जो हम भरेंगे, ठीक। तो P1 प्रेशर वॉज 20 एटमॉस्फेयर, V1 वॉज 1 लीटर, P2 जब वो बाहर आया
जब गैस बाहर आई, बाहर वन एटमोसफेयर पे आई, वी टू हमें कैलकुलेट करना है. तो पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू. तो जो वी टू होगा वो पी वन वी वन अपॉन पी टू होगा. पी वन कितना 20, वी वन कितना 1 लीटर, पी टू कितना 1, यानी 20 लीटर होगा वी टू. एक बात बताओ, क्या ये 20 का 20 लीटर भर जाएगा? बेटा ये गलती सारे बच्चे करेंगे सिवाय तुम्हें. बेटा एक लीटर तो इसके अंदर रह ही जाएगी, वो कभी भी बाहर नहीं आएगी भाई, क्योंकि जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर यहां बन जाएगा तो एक लीटर तो इसके अंदर रहेगी रहेगी ना, वो कभी बाहर नहीं आएगी. तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम available for filling balloons is 20 minus 1, 19 liter. बेटे सिलेंडर की वॉल्यूम तो माइनस करनी होगी, कुछ गैस तो इसके अंदर ही रह जाएगी, कभी भी कोई चीज खाली नहीं होती दुनिया में, है ना. तो 20 लीटर 1 एटमॉस्फेयर में बन गई, पर उसमें से 1 लीटर सिलेंडर के अंदर रह गई. क्लियर हो गया? तो 19 लीटर भर सकते हैं. अब एक गुब्बारे की वॉल्यूम कितनी है? वॉल्यूम ऑफ बैलून. देखो भाई, हम अच्छे बच्चे हैं, हमें हार्ट शेप बैलून नहीं चाहिए, हमें गोल गोल वाला चाहिए, विद डायमीटर दिस. अब स्फेरिकल बैलून की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 πr³. तो यहां पे आया 4/3 πr की वैल्यू 3.14, और r बेटा ये डायमीटर है, हमें चाहिए रेडियस, डायमीटर का आधा रेडियस, यानी 10^3. ये लगभग आ जाएगा 4186 मिलीलीटर. सेंटीमीटर क्यूब इज मिलीलीटर, यानी हम बोल सकते हैं 4.186 लीटर. एक गुब्बारे की बैलून की वॉल्यूम इतनी है, टोटल फिलेबल इतना है. तो नंबर ऑफ बैलून्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ बैलून्स 19/4.186, अप्रोक्सीमेटली 4 point something. लेकिन आंसर कितना लिखोगे? 4, क्योंकि हमारी शर्त क्या थी? कि स्नेहा का बराबर का बैलून चाहिए, छोटा नहीं लेंगे, छोटे वाला वो यहां टांग लेगा भाई, है ना जी. तो सिर्फ 4 ही बैलून मिल पाएंगे. बोलो बेटे, समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? जल्दी बोलना या सुनो. झोल समझ में आया? झोल इसमें ये वाला है सिर्फ, कि लोग इस वॉल्यूम को माइनस करते ही नहीं, भूल जाते हैं कि इसके अंदर तो रहनी रहनी है. तो 20 तो टोटल था, उसमें से एक रहेगा और भरेगा सिर्फ 19. और दूसरा झोल इसमें ये कि कई लोग, अगर मान लो यहां पे 4.8 आ जाए तो कई लोग 5 बैलून लिख देंगे. गलत बेटे, इसमें अपर वाली साइड नहीं राउंड ऑफ, छोटा बैलून नहीं लेना हमें, ठीक, हमने बराबर का ही लेना, ठीक. तो 4.8 की बात नहीं करेंगे, 4.8 इज नॉट 5. हियर 4.8 मींस 4 फुल बैलून्स, और जो छोटे वाला बैलून वो बैलून वेंडर खुद रखे, हमने नहीं लेना. बोलो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इसके ऊपर कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं. जैसे आजकल बेटा कोरोना का टाइम है, तो ऐसा भी हो सकता है ऑक्सीजन सिलेंडर ले आए, ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर कुछ ऑक्सीजन थी, कुछ प्रेशर पे एक बंदा मरने वाला था, कोरोना हो रखा था, वो एक सांस में इतनी ऑक्सीजन लेता है, ठीक, तो कितनी सांसें वो ले सकता है बाय ऑक्सीजन सिलेंडर, क्या हम निकाल पाएंगे? है ना, पहले आप टोटल प्रेशर अंदर वाला और बाहर वाले प्रेशर से टोटल वॉल्यूम निकाल दीजिएगा, सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस कर लीजिएगा, बाकी सांस लेने के लिए अवेलेबल है. तो एक सांस में जितनी वो लेता है, ठीक, उतने से टोटल वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिएगा, आपके पास नंबर ऑफ सांसें आ जाएंगी. तो ऐसे करके बैलून एंड सिलेंडर टाइप प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं. बेटे क्लियर है? नाउ अब जो टाइप 5 करवा रहा हूं तुम्हें,
बेटा मेरा चैलेंज है, किसी ने करवाई होगी तो बताना, टाइप फाइव। और इसमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा कराऊंगा जो कोई कर भी देगा तो भी बताना, फाइव टाइप क्वेश्चंस, टाइप फाइव। कैपिलरी बेस्ड क्वेश्चंस, कैपिलरी बेस्ड क्वेश्चंस, कैपिलरी बेस्ड क्वेश्चंस, ध्यान से सुनना। मान लो मुझे एक कैपिलरी, अब कैपिलरी भी दो होती है बेटा, एक क्लोज्ड एंड एक ओपन एंड कैपिलरी, एक ऐसी जिसमें ओपन एंड, एक ऐसी जिसमें क्लोज्ड एंड। तो पहले अपन ओपन एंड कैपिलरी की बात करें, ओपन एंड कैपिलरी, ठीक। ओपन एंड कैपिलरी में हमने क्या किया, एक इस तरह की कैपिलरी ले ली, उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा है, इट इज कैप्ट हॉरिजॉन्टली। इसके अंदर हमने क्या किया, एक मर्करी का कॉलम रखा 8 सेंटीमीटर मान लो, जिसने एक 10 सेंटीमीटर का एयर बबल एंट्रैप कर रखा है, ठीक, 10 सेंटीमीटर का एयर बबल एंट्रैप कर रखा है, ठीक, हॉरिजॉन्टल पड़ी है। आपको बोला फाइंड द लेंथ ऑफ एयर बबल, फाइंड द लेंथ ऑफ एयर बबल व्हेन, तीन कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन, कैपिलरी इज टेकन वर्टिकल विद ओपन एंड अबव, ठीक, वर्टिकल विद ओपन एंड अबव। दूसरा दिया है कैपिलरी कैप्ट वर्टिकली विद ओपन एंड डाउन, वर्टिकल विद ओपन एंड डाउन, एंड कैपिलरी कैप्ट एट एंगल ऑफ 60 degrees विद द हॉरिजॉन्टल विद ओपन एंड अबव। ठीक जी, इन तीन केसेस में हमें लेंथ ऑफ एयर बबल निकालनी, वर्टिकली विद ओपन एंड अबव, वर्टिकली ओपन एंड डाउन, वर्टिकली ओपन एंड अबव रादर एट एन एंगल ऑफ 60 degrees विद हॉरिजॉन्टल विद ओपन एंड अबव। जी देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात हमें पता है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होता है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। बेटे क्या वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है कि नहीं, इज वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, यस। और जब हम कैपिलरी को ऐसे रखें, ऐसे रखें, ऐसे रखें, क्या एरिया चेंज होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा P1 इंटू ए एरिया इंटू L1 लेंथ, P2 इंटू ए एरिया इंटू L2। सो बेटे ए से ए कैंसल, क्योंकि एरिया सेम रहना है। तो फॉर्मूला बना P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2। ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। अब यहां पे P1 जब ये ऐसा था उस समय कितना प्रेशर था, सिर्फ ये एटमॉस्फेयर का, यानी 76 सेंटीमीटर, वन एटमॉस्फेयर 76 सेंटीमीटर सिर्फ यही प्रेशर लग रहा था।
और उस समय जो लेंथ थी L1 थी वो कितनी थी बेटा, वो 10 सेंटीमीटर थी। अब जब मैंने इसको वर्टिकली ऐसे रखा तो बेटा 76 ये तो लगेगा ही लगेगा, प्लस ये 8 वाला, ये 8 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम, ये भी तो इसी पे लगेगा, तो 8 सेंटीमीटर ये भी लगेगा, तो P2 हो जाएगा 76 प्लस 8 यानी 84। नाउ अप्लाई P1 L1 इज इक्वल टू P2 L2। बोलो समझ में आया? आ गया। वेल देन वहीं पर बेटे अगर इसमें लेते तो P1 इज 76 सेंटीमीटर, L1 इज 10 सेंटीमीटर, P2 नाउ। अब देखो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहां से लगेगा 76 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर ऊपर से लगेगा, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कि नहीं? यानी यहां पे 8 सेंटीमीटर इसको कम करेगा, तो कहने का मतलब P2 आ जाएगा 76 माइनस 8 दैट इज 68, दैट इज 68। Now you can put P1 L1 is equal to P2 L2. You can easily calculate L2 now. बोलो second part समझ में आया कि नहीं? जल्दी जल्दी बेटा quickly, time बहुत कम है। शाबाश। सबको समझ में आया कि नहीं? Okay. अब रही बात ये केस। देखो बेटे इस पूरे कॉलम का यहां पर पूरा प्रेशर तो पड़ेगा नहीं, ठीक है ना, वो तो वर्टिकली ऐसे हो तो पूरा पड़ता, तो इसकी वर्टिकल हाइट निकालनी पड़ेगी। वर्टिकल हाइट कैसे निकालेंगे? हम यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे जिसका थीटा 60 डिग्री होगा और हमें इसकी वर्टिकल हाइट निकालनी होगी, हमें इसकी वर्टिकल हाइट निकालनी होगी। हमें पढ़ाया जाता है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसा पढ़ाया जाता है ना भाई। हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है उसकी रेशियो क्या होती है? साइन। तो यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन 16, यानी परपेंडिकुलर कितना यहां पर निकालना है, साइन 60 इनटू हाइट, तो परपेंडिकुलर साइन 60 की वैल्यू बोलो फटाफट, साइन 60 √3/2 और हाइट कितनी है 8, तो आया 4√3। ये परपेंडिकुलर है, प्रेशर नहीं, ठीक, यानी इसकी वर्टिकल हाइट निकल आई। ये एड ऑन होगा, नाउ P1 76, L1 10 सेंटीमीटर, P2 बेटा 76 प्लस 4√3 और L2 वो निकालना है। बोलो क्या निकाल सकेंगे? कैन वी डू दिस क्वेश्चन? गुड। मान लो इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे दिया होता कि भैया वो ऐसे है विद एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो आप साइन 45 निकाल के उसकी हाइट निकाल के, क्योंकि ओपन एंड डाउन है तो माइनस कर देते, ओपन एंड डाउन होगा तो माइनस करेंगे, ओपन एंड अप होगा तो प्लस करेंगे। बोलो बेटे क्लियर हो गया कि नहीं हो गया?
तो ओपन कैपिलरी आपको समझ में आ गई। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है इसका क्लोज्ड कैपिलरी, द मोस्ट डिफिकल्ट वन, और कोई करके बताए। क्लोज कैपिलरी मिटा दो बेटे, इसको मिटा दो इसको। सो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन बॉयल फ्लो, दैट इज अ क्लोज कैपिलरी बेस्ड क्वेश्चन। Closed capillary. देखो बेटे, हमें बोला कि एक capillary थी हमारे पास, दोनों end से close, एक 1 meter थी, इसके बिल्कुल बीच में 10 centimeter mercury column था, इसके बिल्कुल बीच में 10 सेंटीमीटर मर्करी कॉलम था। ठीक, यहां प्रेशर 75 mm और यहां पे भी 75 mm था। ठीक है, जब हमने इसको वर्टिकल रख दिया, जब हमने इसको वर्टिकल रख दिया तो आपने बताना है कि इस मर्करी कॉलम की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, यानी अपनी जगह से कितना हिला ये, या बोलो इसमें कितनी लेंथ हो गई और इसकी लेंथ कितनी हो गई और कितना डिस्प्लेस हो गया। देखो बेटे, शुरुआत में यहां से यहां तक हमने मान लिया कि ये L1 है और ये भी L1 है, और हमें यहां पे समझ में आ गया कि 1 meter इज इक्वल टू L1 प्लस 10 प्लस L1, दोनों बराबर है ना, इसलिए L1 L1 लिखा है मैंने। तो 1 meter यानी कि 100 meter इज इक्वल टू 2L1 प्लस 10, तो L1 जो आएगा वो 45 सेंटीमीटर का होगा, यानी यहां से यहां तक की लेंथ 45 सेंटीमीटर होगी और यहां यहां से यहां की लेंथ भी 45 सेंटीमीटर होगी। बोलो ये क्लियर, बोलो फटाफट ये क्लियर और नॉट। अब जब हमने इसको ऐसे रख दिया तो यहां से यहां तक बेटा 45 प्लस एक्स, मान लो ये थोड़ा नीचे गया होगा तो यहां प्लस एक्स हो गया, और यहां से यहां 45 माइनस एक्स हो गया होगा, क्योंकि जितना ऊपर से नीचे आया होगा इसमें से माइनस इसमें प्लस हुआ होगा। बोलो क्लियर और नॉट। अब मान लो कि ये ए एंड है, ये बी एंड है, ये ए एंड है, ये बी एंड है, ठीक है जी। अब आपको पता है प्रेशर एट बी, प्रेशर एट बी, बी पे प्रेशर कितना होगा, जितना पी ए का प्रेशर होगा प्लस ये 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, प्लस ये 10 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, क्यों जी, ये ए का प्रेशर प्लस 10, यही बी पे प्रेशर होगा। बोलो क्लियर और नॉट। ये एक इक्वेशन वन है, इसको दिमाग में रखना। अब पहले हम फॉर एंड ए, एंड ए, ए एंड के लिए निकाल लेते हैं, एंड ए में E1 कितना था 75 mm, L1 कितना था 45 सेंटीमीटर, P2 कितना है PA, जबकि L2 कितना है 45 प्लस X, तो P1 L1 is equal to P2 L2 75 into 45 PA into 45 plus X, यानी यहां से PA निकाल लो, 75 into 45 divided by
45 प्लस एक्स, ये पीए आ गया। ऐसे ही फॉर एंड बी, एंड बी के लिए पी वन कितना था यहां पे भी 75, एल वन कितना था 45, पी टू कितना आ गया विच इज पी बी, और एल टू कितना आ गया 45 माइनस एक्स। अगेन पी वन एल वन इज इक्वल टू पी टू एल टू, सो 75 इंटू 45 should be equal to PB into 45 minus X. Yani PB is equal to 75 into 45 divided by 45 minus X. तो यहां से PB निकाल लिया। बोलो clear? Now simple, putting PA and PB in one, PA और PB को one में put कर दो, तो PB था PA plus 10, तो PB की value आई 75 into 45 divided by 45 minus X should be equal to 75 into 45 divided by 45 plus X प्लस 10। बेटे एक्स के लिए सॉल्व कर लो, एक्स के लिए सॉल्व कर लो, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व कर लो। बेटे एक्स के लिए सॉल्व कर लिया तो पता चल गया एक्स डिस्प्लेसमेंट थी, तो इतना डिस्प्लेस हो गया होगा। अगर इसकी लेंथ पूछी होगी तो 45 प्लस एक्स कर देना, इसकी पूछी होगी 45 माइनस एक्स कर देना। बोलो बेटे बात समझ में आई क्वेश्चन की कि नहीं आई, जल्दी बोलना। कह रहे बच्चों ये क्वेश्चन किसको देना जरा, ठीक